पद्मपादं च हस्तामलकं च शिश्रं तं तोटकं वार्तिककारणं अस्माद् गुरु सन्ततमानतोऽस्मि श्रुति स्मृति पुराणानां मालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरामेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणा विश्वात्मा विधिविषयान् राष्ट्रभोगान् सरिष्ठान् पश्चाचन्यान् समतिविभवान् ज्योतिषास्त्रेण सूक्ष्मान् सर्वानेकान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगण आत्मशोनस्तुतीय अथर्ववेदीय मांडुक्य उपनिषद के प्रहलाद शांति नामक चतुर्थ प्रकरण के ऊपर विचार करते हुए अभी हम लोग एक बहुत बड़ा सिद्धांत के ऊपर करा है कि अन्यवादियों की जो जगत की सत्यत्व और उत्पत्ति के रूप में जो भी युक्ति उन लोगों ने दिखाया उसी के युक्ति के द्वारा आपस में विवाद करते हुए ये सिद्ध हो जाता है कि पारमार्थिक उत्पत्ति होना संभव नहीं। अब यदि कोई एक सद वस्तु को आप अनादि मानेंगे, भावात्मक विद्यमान वस्तु को अनादि मानेंगे, वो कभी नाशवान नहीं हो सकता। और जो मदर्शादी वस्तु है, अगर जो भावात्मक वस्तु है, तो वो कभी अनंत भी नहीं हो सकता। ये मुख्य सिद्धांत है। सभी बातें जगत को अनादि माना और फिर बोलते हैं एक पूर्ण मीमांसा दर्शन को छोड़कर के ज्ञान से जगत भी नाश हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? यदि पारमार्थिक भाव वस्तु को मानते हो तो वेदांत क्या मानते हैं? माया से कल्पित है वो, परंतु ज्ञान से नाश हो जाता है। इस ज्ञान नाश ज्ञान निवर्तकत्व मिथ्यात्व हमारे परिभाषा है। मिथ्यात्व का परिभाषा क्या? ज्ञान निवर्तकत्व मिथ्यात्व, जो वस्तु ज्ञान के द्वारा मिल जाते हैं उसी को मिथ्या बोलते हैं। इसलिए हम जगत को मिथ्या बोलते हैं कि ज्ञान के द्वारा। तो अब श्लोक को 30 नंबर श्लोक के ऊपर विचार चल रहा था, उस श्लोक को एक बार सब मिल करके पढ़ते हैं, ठीक है। अनादिरन्तवन्तं च संसारस्य न शेष्यति अनन्तकालचाधिमतो मोक्षस्य न भविष्यति। इसके ऊपर आनंद जी देखो अनुमान दिए थे, ज्ञान निवर्तकत्वम, ज्ञान निवर्तकत्वम, ज्ञान के द्वारा जो मिट जाता है उस वस्तु को मिथ्या कहा जाता है। अपहनम वचनम मतलब अविद्या अविद्या की परिभाषा में या अभिव्यक्ति ज्ञान का अभिव्यक्ति क्या बोल रहे हैं? समझ नहीं आया। जोर से बोल। क्या बोल इसमें पंचपादिक में बोला सर? हाँ पंचपादिक में ज्ञान निवर्तक ज्ञान निवर्तक मिथ्यात्व अपहनव वचन
अच्छा आप अपन को वचन मिथ्यात्म पंच पदिका में आया पर ये मैजिक मिथ्यात्व का परिभाषा पांच परिभाषा अद्वैत सिद्धि में मधुकर सरस्वती ने दिया है। अद्वैत में तो प्रतिपन्न उपाधोत्रिकालिप्रतिम मिथ्यात्म सदस्य विलक्षणत्म मिथ्यात्म ज्ञान निवर्तकत्व मिथ्यात्म इस प्रकार से पंचपदी का टीका के ऊपर मैंने देखा नहीं तो आप उसका यदि आपका पुस्तक में है तो आप मेरे को लिख कर देना फिर मैं अपभ्नव वचन मिथ्यात्व मतलब क्या जो बात आपने कहा वो बात यदि झूठ हो जाता है तो ये मिथ्या है मतलब हमने जो कहा वो सच नहीं निकला तो उसको मिथ्या बोले क्योंकि वो तेरे को झूठ बोलते हैं क्यों झूठ बोलते हैं बोलते हैं क्योंकि आपने जो कहा वो सच निकला नहीं इसलिए झूठ बोलते मतलब जो छुपने वाली बात होती है उसको मिथ्या बोलते ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं अनादिर अंतवत्तम च संसारी सनाशति संसार एक भाव वस्तु है और यदि उसको अनादि मानोगे तो अंत कभी नहीं होगा संसार का घूमते जाओगे संसार चक्र में और यदि और मोक्ष यदि आदि वाला है सभी वादी का अभिष्ट है क्या अभिष्ट है मुक्ति अनंत हो बस एक बार प्राप्त किया तो उसका नाश ना हो परंतु यदि वो आदिमान होगा तो कभी अनंत नहीं हो सकता भाव वस्तु आदिमान होगा और अनंत होगा ये नहीं होता है। नए वैशेषिक दर्शन वाले ने एक बार विचित्र समस्या खड़ा कर रखा उन लोगों ने प्राग अभाव को अनादि मानते हैं और घट उत्पत्ति के बाद प्राग अभाव नाश हो जाता है ठीक है यानी कि अनादि है परंतु नाशवान है हम भी मानते हैं और असादि है परंतु वो अनंत है कौन प्रथम कि घड़ा का तोड़ दिया आपने तो अनंत का वो घड़ा दोबारा आने वाला नहीं है तो परंतु वो अभावात्मक है भावात्मक नहीं है और भावात्मक वस्तु में यदि लगाओगे तो घटेंगे ये सिद्धांत घटने वाले नहीं है। हमारे यहाँ पे काल में अच्छा अनादि बोला था जीव ईश्वर विशुद्धाची जीव ईश्वर विधा अविद्या तत्चिति योग षडस्मा का अनादि इसमें से पांचों वस्तु कल्पित है जीव ईश्वर की भिन्नता दो है ही नहीं तो भिन्नता कहाँ से होगा अज्ञान और अज्ञान से चेतन का जड़ के साथ चेतन के संबंध जो होना संभव नहीं है बच्चा का व्यवहार करती है पांच वस्तु कल्पित होने के कारण मिथ्या मानते हो नाशवान बोलते हैं और एक जो है विशुद्ध चित वो क्या है नाशवान नहीं है ना क्योंकि अनादि भी है अनंत भी है वो ज्ञान नाश्य नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पे विवादास्पद संसार न अंतवान अनादि भावत्वादि ध्यान रखना क्योंकि भाव वस्तु होने के कारण आत्मवत दृष्टांत दिया आत्मवत तो कल हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे भगवान भाष्यकार बोलते हैं वो कोई बात नहीं बोला आपने कैसे बोलते हैं बीज अंकुर एक संतति है वो अनादिकाल से चलता रहा है बीज को नाश कर दो तो अनादि होते हुए भी तो नाशवान हो जाएगा आपको समझ में ही नहीं आया ये जो संतति आप बोल रहे हैं ये संतति नामक कोई एक वस्तु होता है क्या आप हमको संतति नामक भाव भाव वस्तु दिखाओ दिखा सकते हो संतति नाम वो तो संतान को ही आपको उधार संतान की धारा को आप संतति बोलते हो संतान की धारा को संतति बोलते हो आपको यदि यहाँ पे अनादिकाल से यहाँ पे जो है अनादिकाल से जो हमको यहाँ पे चलता आ रहा है तो यहाँ पे ये जो है विवादास्पद संसार अंतवान नहीं हो पाएगा भाव वस्तु होने के कारण जैसे आत्मा तो यहाँ पे जब आपने बोला कि नहीं ऐसा बीज अंकु संतति तो आपको बीज अंकु संतति अच्छा बीज अंकु न्याय कोई आपको कोई एक वस्तु रूप में दिखाई पड़ता है क्या संतति को वो तो संतान का ही धारा संतति को लोग वस्तु नहीं है वो
इसलिए भगवान भाष्कर उत्तर देते हैं, न एक वस्तु अभावेन अपोदितत्वा, वो कोई एक वस्तु है वो ऐसा वो है नहीं, ये कथन करके हम उसको पहले निराकरण कर दिए। कल इसके ऊपर टिप्पणी कर रहे थे, एक वस्तु इति एकस्य संतानस्य इति अर्थ है ना, एक को एक संतान उसका अभावेन, उसका अभाव होने के कारण वस्तु अभावेन मतलब वस्तुत्व तो अभावेन है ना, उसका परमार्थिकता नहीं है, वो एक संतान को तो संतति मात्र है, अपोदित निरस्त तत्व इसको हमने पहले निराकरण कर दिया था, ठीक है ना। तब उसने बोला आपके यहाँ पे क्या हो गया, आपने क्या बोला बीज अंकुर दृष्टान्त आपका व्यभिचार स्थान है, पूर्ववादी क्या बोलते हैं बीज अंकुर दृष्टान्त आपका व्यभिचार स्थान है, मतलब क्या व्यभिचार किसको होता है, साध अभावत वृत्तित्व व्यभिचारित्व, साध के अभाव में यदि हेतु बैठ जाए तब उसको उस हेतु को हम व्यभिचारी हेतु बोलते हैं, क्या बोला साध के अभाव में यदि हेतु बैठ जाता है तो उस हेतु को हम व्यभिचारी हेतु बोलते हैं। यहाँ पे साध क्या है, न अंतवान, ये हो गया साध, न अभी हो गया साध, और अनादि भाव रूप अनादि भावत्व ये हो गया पहले, ठीक है ना। अब जो है कि न अंतवान पूर्ववादी क्या बोलते हैं, वो तो अंतवान हो जाता है, यानी कि साध का अभाव हो गया, आपने बोला न अंतवान, और बीज अंकुर संतति क्या होता है अंतवान हो जाता है बीज नाश होने पर, तो साध के अभाव में अनादित्व रूप धर्म बैठा हुआ है, अनादित्य भाव में बैठा है, इसीलिए व्यभिचारी हेतु हो जाएगा। मैंने पूर्ववादी का ये कहना है कि आपका बीज अंकुर संतति का जो धारा है वो धारा जो है अनादि है परंतु वो अंतवान होता है, यानी कि न अंतवान के अभाव स्थान में आपको अनादित्व रूप धर्म बैठा हुआ है, इसीलिए आपका हेतु व्यभिचारी है। ऐसा शंका करने पर सिद्धांतवाद बोलते हैं साध अभाववती संतान है, वहाँ पे साध भी नहीं है, साध मतलब क्या है, न अंतवान है ना, साध अभाव वहाँ पे वो अंतवान है, इसीलिए साध अभाववती संताने, ठीक है ना, हेतु अभाव है ना, वहाँ पे हेतु का भी अभाव है, आप उसको अनादि करके नहीं कह सकते, सब आदिमान है, जो आपको बीज भी बोल रहे हो और अंकुर भी बोल रहे हो, ठीक है ना, बीज भी आदि वाला है अंकुर भी आदि वाला है, दोनों ही आदि वाला होने के कारण अनादि तो कहाँ से लाओगे, जिस संतान से जो संतति बनी हुई है, जिस संतान में जो धर्म होगा संतति में वही धर्म रहेगा, संतान में यदि आदित्य धर्म है तो संतति में वही धर्म रहेगा, इसीलिए साध अभाव वाले स्थान में हेतु का भी अभाव है, इसीलिए व्यभिचारी अनुमान नहीं है ये, यदि आप इसलिए बोलते यहाँ पे साध अभावती संतान हेतु अभावे न व्यभिचार अभाव, व्यभिचार का अभाव हो जाता है, अर्थ संतान ही निरंतर निरंतर तच अंतराय अभाव, संतान मतलब क्या है निरंतरता, निरंतरता मतलब अंतराय की अभाव, अंतराय की अभाव मतलब अंतराय के अभाव, ये इसका अंतर भाव है, परंतु आप जो है अंतराय के अभाव दिखाने के लिए जब आप संतान को उठाओगे हाथ में क्या आएगा, संतति को उठाओगे हाथ में क्या आएगा, संतान आएगा, जो अवयव का जिस प्रकार मान लीजिए एक चेन है, चेन लगा हुआ है, आप यदि बोलते हैं कि एक आप जो है वो जुड़ा हुआ है इसलिए एक खींचने से दूसरा आ जाता है, परंतु जल की धारा अथवा बीज अंकुर की धारा वो चेन जैसा मुठा हुआ नहीं है, एक के बाद एक आता जाता है, अब यदि आप उसको उठा के देखना चाहोगे तो आपको क्या होता है, या तो बीज या तो अंकुर हाथ में आएगा, और दोनों में से दोनों ही आदिमान है, पूरी उत्पत्ति हो चाहे कितने भी पीछे चला जाओगे कितने भी आगे चला जाओगे आपको देखोगे कि बीज उत्पत्ति हो रहा है और अंकुर की उत्पत्ति हो रहा है, इसलिए आदिमान होने के कारण वहाँ पे अनादित्य नहीं है, फल इसलिए है जस साध अभावती संताने हेतु अभावेन व्यभिचार अभावादिति अर्थ, संतान ही संतान शब्द का अर्थ क्या है, निरंतरता नैरंतर्यम तच मतलब उसका अंतराय अभाव, उसमें कोई गैप ना हो, परंतु यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा वो कोई एक वस्तु नहीं है अंतरा, परंतु यहाँ पे संतति मतलब कोई वस्तु नहीं है, संतति मतलब फ्लो, समझ मारे आपको, भाव एक फ्लो है वो तो ठीक है, परंतु फ्लो किसका होता है, संतान की फ्लो को हम संतति बोलते हैं, व्यवहार जगत में भी ऐसा है प्रोजेनी जैसे बोलते हैं, संतान की जो प्रवाह है उसको हम संतति बोलते हैं, तो आप यहाँ पे जो है कि संतान जो है आप जो बोल रहे हैं वो कोई एक अलग कोई वस्तु नहीं है, संतान ही वस्तु है, संतति कोई वस्तु नहीं है, जब कभी कोई संतति को देखा होगा आप एक संतान को ही दिखाओ, देखो इस प्रजनी से आने वाला ये व्यक्ति बता यू आर शोइंग एक व्यक्ति को दिखा रहे हैं, संतान व्यक्ति होते हैं, संतति धारा होती है, धारा भी पारमार्थिक वस्तु नहीं है, वो संतान को ही दूसरे शब्दों के द्वारा बोल रहे हो,
है कि जैसे हम लोग बोलते हैं नारायणम पद्मभवम वशिष्ठम, ये धारा हम बोल रहे हैं। अब धारा को अलग दिखा पाओगे? ये दिखा आप दिखाना पड़ेगा, व्यक्ति को ही दिखाना पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति आदि है, प्रत्येक व्यक्ति की उत्पत्ति अनाश हुई है, बस यही चीज है यहाँ। इसीलिए हमारे अनुमान में व्यभिचरित्व नहीं है, साधु अभाव में हेतु का भी अभाव है ना। इसीलिए आप बोलते हैं कि हो गया हमारा एक वस्तु तो अभाव न अपोदित, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट लाइन, अनादि अंतवत्तम च संसार से न सेत्सति, है ना। अनादि संसार अंतवान होना संभव नहीं होगा, क्योंकि वो भाव वस्तु होने के कारण। ठीक इसी प्रकार मोक्ष को भी, क्षणिक विज्ञानवाद हो चाहे शून्यवाद हो चाहे किसी भी वाद हो, मोक्ष को जो है भाव वस्तु मानते हैं। और मोक्ष को यदि भाव वस्तु उत्पन्न वाला होगा तब जत कृतकम तद अनित्यम, जो उत्पन्न होता है वो नाशवान होगा ही होगा। तो इस प्रकार से मुक्ति भी यदि आपका उत्पत्ति हुई तब क्या हो जाएगा, वो भी नाशवान होगा। तो अनंत आनंद की प्राप्ति नहीं। वेदांती मोक्ष को क्या मानते हैं? बंध मोक्ष दोनों को ही नहीं मानते हैं, पारवर्ती हमारा ये स्थिति है। और आप नित्य मुक्त है, बंधन कभी आएगा नहीं, मुक्ति की उत्पत्ति नहीं होती है, मुक्ति विद्यमान है। अज्ञान के कारण समझ में नहीं आ रहा था, अज्ञान हट गया, मुक्ति कर लो। ये वेदांत है, आत्मा में कभी बंधन आएगी? ये तो इसका अष्टावक्र ऋषि बोलते हैं कि अयम एव हिते बंध जब तुम मुक्त इच्छसि, यही तुम्हारी बंधन है जो तुम मुक्ति की इच्छा करते हो। तो मुक्त व्यक्ति फिर मुक्ति की इच्छा करता है, एक तुम्हारा बंधन है, फिर उसके लिए प्रयास करता है बंधन में बसने। अयम एव हिते बंध जब तुम मुक्त इच्छसि, एव हिते बंध जब तुम मुक्त इच्छसि, यही तुम्हारा बंधन है। क्या बंधन है? ये जो तुम मुक्ति की इच्छा करते हो, यही सबसे बड़ा बंधन है। जब तुम मोक्ष मुक्त मुक्त इच्छसि, मुंच धातु से तुम प्रत्यय हुआ मुक्त इच्छसि। अद्भुत, क्या अद्भुत वेदांतिक सिद्धांत है। देखो ये सबसे बड़ा बंधन है, और नन्ना बंधन जो है वो तो उस बंधन से ऊपर उठ करके ही आप मुक्ति की इच्छा कर रहे थे, है कि नहीं। हमारे अंदर जब मुक्ति की इच्छा होती है तब संसार संबंधित बंधन तो लग गया, अब लास्ट वही है कि मुक्त हो जाऊंगा, तब ये बोलते हैं। अरे ये जो तुम इच्छा कर रहे हो ना, ये तुम्हारा अंतिम बंधन है, बस इसको छोड़ दो, मुक्त। ध्यान देना, एक दिन में नहीं होगा ये, क्योंकि आपको मुक्ति की इच्छा मुक्ति की इच्छा तीव्र होना है। जब कब होगा? जब अन्य वस्तु से मन बिल्कुल उठ जाएगा, जब अन्य वस्तु से मन उठ करके मुक्ति की तीव्र इच्छा होगी, तब जनक राजा क्या को अष्टभक्त ऋषि बोलता है, बस यही तो बंधन है, मुक्ति की इच्छा कर रहे, इसको छोड़ो। इसलिए अब जो है यदि मुक्ति को शादी मानोगे तब वो कभी अनंत नहीं हो पाएगा। मुक्ति को यदि स्वादी मानोगे तभी कभी भी अनंत नहीं हो पाएगा। इसीलिए तथा भाष्य में लास्ट लाइन, तथा अनंतता अपी, उसी प्रकार से मुक्ति की अनंतता भी, अनंतता अपी, देखो अनंतता अपी विज्ञान प्राप्ति काल प्रभावस्य मोक्षस्य, मोक्ष का विषण दे दिया, अनंतता अपी मोक्षस्य आदिमत न भविष्यति। मुख्य वाक्य क्या है? अनंतता अपि मोक्षस्य न भविष्यति। और उस मोक्ष का दो विषण दिया, कोई एक विषण है विज्ञान प्राक्तिकल प्रभवस्य आदिमत, षष्ठी है, मतलब ज्ञान जिस समय प्राप्त हुआ उसी समय उत्पत्ति हुई, दो आदिमान हो गया। इस प्रकार की मुक्ति का अनंतता होना संभव नहीं होगा। सेंटेंस को ठीक से समझेंगे, मोक्षस्य षष्ठी वचन है, इसका दो विशेषण है, एक हो गया विज्ञान प्राप्ति काल प्रभवस्य, मतलब जिस समय आपका ज्ञान हुआ उसी समय वो मुक्ति उत्पत्ति हुई, परंतु तो क्या हो गया वो आदिमत, ये षष्ठी वचन है, आदिमान हो गया। इस प्रकार आदि वाला मोक्ष का अनंतता न भविष्यति, ठीक है मूर्ति, है ना। इस आदिमत मोक्षस्य अनंतता न भविष्यति, तो आदि मतलब सभी बात यही मानते हैं कि मतलब असाधन के द्वारा बंधन से मुक्त हो जाऊंगा तब, तो ये जो साधन के द्वारा जो कुछ प्राप्त करोगे वो कभी नित्य हो नहीं सकते, अंतवाणी होगा, अंतवाणी होगा। इसलिए तथा उसी प्रकार से अनंतता अपि विज्ञान प्राप्ति काल प्रभवस्य आदिमत मोक्षस्य न भविष्यति, ठीक है। देखिए दो नंबर टिप्पणी बोलते न भविष्यति मोक्ष, टिप्पणी का इसलिए आपका अनुमान दे रहे हैं, मोक्ष न अनंत साधित्वा घटादिवत, छोटा अनुमान है, मोक्ष अनंत नहीं हो सकता आदिमान होने के कारण घट का अधिक है,
मोक्ष हो गया पक्ष, अना अनंत ये हो गया आपका साध, और साधित्व आदि हो गया आपका हेतु, और दृष्टांत हो गया खटवत, घट आदि वाला होते हैं इसलिए घट अनंत नहीं होता, ठीक है ना। इसी प्रकार से मतलब देखो साधित्व रूपी हेतु घट में बैठा हुआ है और अन्न अनंत ये भी बैठा है, हेतु और साधु घट में दृष्टांत में बैठी हुई है। अब मोक्ष को आपने आदिमान माना, ये भी अनंत नहीं हो पाएगा, वो भी अनंत न भविष्यति, ये होना संभव नहीं होगा। अब देखो दृष्टांत भगवान भाष्यकार स्वयं दे दिए है, घटादिशु दर्शना घटादिशु अदर्शन, घटादि कोई भी सांसारिक वस्तु में ये नहीं दिखाई देने के कारण, घटादिशु अदर्शनात् नहीं दिखाई देने के कारण। अदर्शनात् क्या है? अदर्शात हेतु है वो, घटादियों में वो नहीं दिखाई देना, हेतु तो साधित्व है। हाँ, भाष्यकार के मतलब घटादियों में ऐसा नहीं दिखाई दिया, नहीं दिखाई देने के कारण कोई भी भाव वस्तु में भगवान भाष्यकार दृष्टांत तो क्या देना पड़ेगा आपको, कोई लौकिक दृष्टांत तो देना पड़ेगा, कोई भी लौकिक दृष्टांत में ऐसा नहीं दिखाई देता, कोई भी लौकिक दृष्टांत में ऐसा नहीं दिखाई देता। क्या नहीं दिखाई देता? आदिमान भी होगा अनंत भी होगा, ऐसा नहीं दिखाई देता लौकिक दृष्टांत। ये घटादिशु अदर्शन, घटादियों में लौकिक दृष्टांत में ऐसा नहीं दिखाई देने के कारण। अच्छा, अब आगे बोलते हैं घटादि विनाशवत अवस्तुत्व अदोष इति चेत आदेशा नए वैशेषिक दर्शन में लिखा रहे होंगे। आप बोलते हैं जो सादी वस्तु होता है वो अनंत नहीं होता, प्रधान स्वभाव घट का प्रधान स्वभाव सादी है और अनंत होते हैं। प्रधान स्वभाव मतलब टूट जाने के बाद जो घट की अभाव हुई हो गया प्रधान स्वभाव, ये प्रधान स्वभाव का आपको दिखाई पड़ता सादी है वो, ये घट को आपने तोड़ा दिखाई दे रहा है आदिमान है, तो प्रधान स्वभाव की उत्पत्ति हुई परंतु अनंत है, प्रधान स्वभाव की आपके सामने उत्पत्ति परंतु अनंत है ऐसा। इसीलिए यहाँ भी ऐसा ही हो जाएगा मोक्ष यदि हम ऐसा कहें तो, बोलते हो तुम अभाव को लेकर के बोल रहे हो, भाव को लेकर के बोल रहे हैं, इसीलिए वहाँ पर जो भाव वस्तु जो आनंद गिरी जी ने जो पिछड़ा दिया ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे। देखो साध्य में क्या लिखा, अनादि भावत्वा अनादि भाव वस्तु होने के कारण, ठीक है ना। आप तो अभाव को लेकर के मतलब यही होता है, अधिकतर यही हो जाता है गलती, हमने किस वस्तु को प्रतिपादन करना चाहते हैं और उसके लिए दृष्टांत क्या दे रहे हैं। हम जब कोई भाव वस्तु को सिद्ध करना चाहते हैं तो हमको भाव वस्तु को दृष्टांत देना चाहिए, हमको अभाव को दृष्टांत नहीं देना चाहिए। इसलिए पूर्ववादी यहाँ पे बोलते हैं घट आदि विनाशवत, घट आदि के नाश के समान, घट का प्रत्यक्ष समान, तो क्या बोलते अवस्तुत्व मतलब मोक्ष मतलब क्या हो जाएगा, बंधनाश। मोक्ष मतलब क्या होगा उसके कारण, मतलब बंध नाश, जैसे घट नाश वैसे बंधन का नाश, यही होगा मोक्ष। ये हम नहीं मानते हैं, बंध भी हमारे पास नहीं है, मुक्ति भी हमारी उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए वो बोलते अवस्तुता अदोष, इसलिए भी यहाँ पे कोई दोष नहीं है, ऐसा हो जाएगा यदि हम ऐसा कहें तो। पूर्ववादी न्याय दर्शन बोलते हैं, न्याय वैशेषिक दर्शन चाहिए तो वहाँ पे देखो तीन नंबर चार नंबर टिप्पणी बोलते हैं अवस्तुत्व मतलब बंध निवृत्ति रूपत्व, कोई उनकी मान्यता है बंध की निवृत्ति मुक्ति, हम ऐसे नहीं बोलते हैं, आत्यंतिक दुख निवृत्ति और निर्दिशय आनंद की प्राप्ति, निर्दिशय आनंद की प्राप्ति, और आनंद भाष्य नहीं आता वो ऑलरेडी विद्यमान है, इसी आनंद की मात्रा से दूसरा भी जीता है, इसी आनंद का एक टुकड़ा लेकर के हम जीते हैं और एक होते हैं आनंद की अभिव्यक्ति हो जाती है पूर्ण आनंद की, इसीलिए बोलते हैं बंध निवृत्ति रूपत्व इति अर्थ। कौन सा तीन नंबर अवस्तुत्व मतलब मोक्ष बंध नाश, मोक्ष मतलब क्या हो गया बंध नाश, इस प्रकार प्रधान स्वभाव घट का प्रधान स्वभाव वो नाश होगा, एक ना अभावात्मक है परंतु अनंत है। अदोष अदोष मतलब मोक्षे न अंतर्गतापत्य, मोक्ष भी अंतमान नहीं होगा, जिस प्रकार आपका घट के प्रधान स्वभाव अंतमान नहीं है, वो घट दोबारा घूम के कभी नहीं आता, इसी नाम बोलते हैं मोक्षे न अंतर्गतापत्य, मोक्ष में अंतर्गतता प्राप्ति नहीं होता। हेतु व्यभिचारित्व, इसलिए आपका जो हेतु व्यभिचारी है, हेतु क्या वहाँ पे क्या दिया था कि वो आपका दूसरा अनुमान में कि किंच मोक्ष न अनंत भावत्य सति आदिमत्व घटवत्, ठीक है ना। ये जो आनंद के लिए जो अनुमान किए थे मोक्ष अनंत नहीं होगा,
यदि क्योंकि वो भाव वस्तु होते हुए और आदिमान होने के कारण, भाव वस्तु होते हुए आदिमान होने के कारण, अब तुम तो अभाव को दृष्टांत देके बोल रहे हो, तो वो वाले पूर्ववादी बोल रहे हैं कि हम आपको ऐसा जगह दिखाएंगे जहाँ पे आपका हेतु व्यभिचारी हो जाएगा। कौन सा जगह बोलता है? प्रथम स्वभाव, प्रथम इसलिए बोलते हैं, और दोषो कौन बोल रहा है? ये नहीं बोल रहे, दर्शन बोल रहे हैं, और दोषो मोक्षे, मोक्षे न अंतर्वत्ता प्रति, मोक्ष में अंतर्वानता प्राप्ति नहीं होता। क्यों? हेतु व्यभिचारित्व, क्योंकि हेतु आपका व्यभिचारी है, न साधक तक, यदि व्यभिचारी हेतु होगा तो साध्य को सिद्ध नहीं कर पाता, व्यभिचारी हेतु साध्य को सिद्ध नहीं कर पाता। मतलब पहले ही दिखा दिया कि हमारे यहाँ पे हेतु व्यभिचारी नहीं है, हम भाव वस्तु को लेकर के बोल रहे हैं, तुम अभाव वस्तु को लेकर के हमारे अनुमान में गोल दोष देना चाहते हो, पक्ष ही गलत हो गया तुम्हारा। न्याय वैशेषिक बोला जी, प्रथम से अभाव से प्रमाणित होता है, वस्तु का आदि थका संभव है, लेकिन वो अनंत हो जाए, अनंत हो जाए, तब सिद्धांतवादी इसको खंडन करके बोल रहे हैं, तुम अभाव वस्तु से अभाव को लेकर के बोल रहे हो, दे रहे हो, हम भाव वस्तु का बात कर रहे हैं, भाव वस्तु, भाव वस्तु क्या है? ब्रह्म, भाव वस्तु ब्रह्म, कोई भी भाव वस्तु घट पट आदि, घट पट आदि कोई भी भाव वस्तु को ले जो दिखाई पड़ते हैं, वही भाव वस्तु को यदि आप आदिमान मानोगे तो अंतमान भी होगा। ये भाव, ये जो आदि और अंतमान है, वो कोई भाव वस्तु को लेकर बोलते हैं, विद्यमान वस्तु को लेकर के, तो उसको अस्तित्व दिखाई पड़ते हैं, अस्तित्व दिखाई पड़ता है, तो अभाव के अस्तित्व नहीं दिखाई पड़ते। इसीलिए बोला तुम बोलते हो प्राय अभाव, प्रथम अभाव, अनन्य अभाव, अत्यंत अभाव, इसमें भिन्नता क्या है? अभाव यदि दिखाई पड़ता तुमको, तब तुम बोलते देखो ये प्राग अभाव, वो तो क्या, आपको कोई एक वस्तु को लेकर के, तब अभाव को लेकर के आप उस, इसलिए ये कोई मतलब वस्तु नहीं, मतलब अभाव को उसने एक पदार्थ माना, अभाव कोई पदार्थ नहीं हो सकता। माना न्याय वैशेषिक दर्शन में सात सात पदार्थ में द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवय अभाव सात पदार्थ को मानते हैं, अभाव कोई पदार्थ नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं, उन लोगों ने बोला कि हेतु व्यभिचारी कब होता है? ये यदि साध्य अभाव स्थान में हेतु बैठ जाए, तब साध्य भी के भी अभाव है, हेतु का भी अभाव है, इसीलिए व्यभिचारी अनुमान नहीं है। इसी वो कहते हैं कि हेतु व्यभिचारी होने पे अपने साध्य को सिद्ध नहीं कर पाता, हेतु व्यभिचारी हेतु साध्य को सिद्ध नहीं कर पाता, तो हमारे हेतु व्यभिचारी नहीं है, क्योंकि हम भाव वस्तु को लेकर के बोलते हैं। तीन नंबर चार नंबर टिप्पणी अवस्तुत्व पूर्ववादी दर्शन ऐसा बोलते हैं। अब देखिए भगवान भाष्कर उत्तर कितना सुंदर देते हैं, तथा च सति मोक्षस्य परमार्थ सद्भाव प्रतिज्ञा हानि, है ना, तब तुम्हारा प्रतिज्ञा है, क्या प्रतिज्ञा है? मोक्ष पारमार्थिक सद वस्तु है, मोक्ष पारमार्थिक सद वस्तु है, ये प्रतिज्ञा हानि हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि वो तो अभाव को लेकर, असत वस्तु को लेकर के तुम बोल रहे हो, बंधा पुत्र के अभाव है, असत वस्तु को लेकर के दृष्टांत दे रहे हो, और मान्यता क्या है? पारमार्थिक सत वस्तु है मोक्ष, एक चीज अपने ही सिद्धांत को तुमने कैसे टुकड़ा दिया? ये बोलते तथा चति, यदि ऐसा कहोगे ना तो मोक्षस्य परमार्थ सद्भाव प्रतिज्ञा हानि, मोक्ष एक पारमार्थिक सत वस्तु है, इस प्रकार की जो तुम्हारी प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा की हानि हो जाएगी। तुमने प्रतिज्ञा किया कि मोक्ष एक पारमार्थिक सत वस्तु है, विद्यमान वस्तु है, अभाव नहीं, अभावात्मक वस्तु है, अधिष्ठान तो भाव अभाव को लेकर के बोल रहे हो, यदि ऐसा मानोगे तो ये सिद्ध हो जाएगा, और यदि मोक्ष को तुम असत मानोगे ना, अभावात्मक मानोगे, यदि अधिष्ठान, अब बताओ अभावात्मक वस्तु की उत्पत्ति हुई, अब देखो और क्या गलती हो जाएगा, मोक्ष को तुम आदिमान मान, मोक्ष उत्पत्ति होगी, अरे अभाव की कभी उत्पत्ति नहीं होती, जो अभावात्मक वस्तु आकाश कुसुम बंधा पुत्र अभावात्मक वस्तु है, ठीक है ना, इसकी उत्पत्ति होती है कभी नहीं, इसी प्रकार मोक्ष को यदि तुम असत मानोगे, यदि ऐसा मान लिया गया मोक्ष सत असत दोनों होगा, अरे मोक्ष को यदि असत मानोगे तो कभी सत हो नहीं सकता, असत विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत, ये मुख्य सिद्धांत है, भगवान श्री कृष्ण ने बताया इस चीज को, यदि उसकी असत मानोगे तो उसकी उत्पत्ति कहाँ से होगी, यदि मुक्ति तुम्हारी अनिमोक्ष प्रसंगा, ब्रह्मसूत्र ने बताया अनिर्मोक्ष प्रसंग, तुम्हारे सिद्धांत को जब मुक्ति कभी हो ही नहीं पाएगा, इसलिए बोलते हैं कि तथा च सति मोक्षस्य परमार्थ सद्भाव सद्भाव प्रतिज्ञा हानि, इससे क्या हो जाएगा, ये तुमने प्रतिज्ञा की थी, प्रतिज्ञा हानि एक निग्रह स्थान है, आपने कहा कि हम इसको सिद्ध करके दिखाएंगे और आपने उल्टा जगह पर चले गए, तुरंत निग्रह स्थान में पहुंच जाएंगे, शास्त्रार्थ में पराजित हो जाएंगे, निग्रह स्थान को बोलते हैं, फिर असत्वादेव
अब मोक्ष क्या हो जाएगा? असत वस्तु हो जाएगा। असत्वादेव शश विषाणा स इव शश विषाण के आदिमत्व अभावश्च मोक्ष की उत्पत्ति होती है। तुम नहीं कह पाओगे जिस प्रकार शशसिंह की उत्पत्ति नहीं होती, जिस प्रकार शशसिंह की उत्पत्ति नहीं होती मोक्ष को आदिमत भी नहीं बोलोगे। यदि मोक्ष को असत मान लोगे तो फिर आदिमत भी नहीं बोल पाओगे। इसलिए सद वस्तु हमेशा रहने वाला ऐसे ही आपको मानना पड़ेगा। और यदि अभाव की तरह मानोगे उसको तो उसकी उत्पत्ति भी नहीं हो पाएगी। कि मुख्य सिद्धांत तो छोटे भगवान भाष्य टीका में देखिए आप, ये समझ में आया ना? दोनों को बोला आदि, यदि अनादि होगा तो अंतमान नहीं होगा, और यदि शादि होगा तो अनंत नहीं होगा। कौन? कोई भी भाव वस्तु, कोई भी भाव वस्तु। भ्रांति से प्रतीति हो रहे कोई वस्तु वो तो अलग बात है। भाव वस्तु सत सत वस्तु, कोई भी सत वस्तु विद्यमान वस्तु जो आपको प्रमाण की तरह दिखाई पड़ता है तुम्हारे सामने। अब जाकर के फिर टीका में आ जाइए। श्लोक भगवान भाष्यकार के लिए टीका का रूपोद्घात दे रहे हैं। श्लोकस्य तात्पर्य आह, इस श्लोक में तात्पर्य क्या है? तो बोलता है अयम च अपर आत्मन संसार मोक्षयोर परमार्थ सद्भाववादिना दोष उच्यते, है ना? इस आत्मा में संसार बंधन और संसार मोक्ष का मैं क्या बोला था? बंधन और मुक्ति। आत्मा में बंधन और मुक्ति को परमार्थ सद्भाववादी नाम पारमार्थिक सद मानने वाले वादी के पक्ष में ये अलग दोष आ जाएगा। क्या दोष आएगा? वो बोलते हैं कि ये अनादि भाव वस्तु नाश नहीं होता, और शादि भाव वस्तु अनंत नहीं होता, अनंत नहीं होता, ये अभिप्राय है। अच्छा, तत्र अयम च ये हो गया यहाँ पे। जब आगे बोलते हैं तत्र पूर्वाठम व्याकरति, अब दोनों श्लोक की पहला आधा भाग को पहले भगवान भाष्यकर व्याख्या करते हैं। तत्र मतलब इस श्लोक में पहले आधा भाग को पहले व्याख्या करते हैं। व्याकरति अनादि अतीत कोटि रहित, अनादि मतलब क्या है? जो कभी अतीत नहीं होता, हमेशा विद्यमान है, अतीत नहीं होता। इस प्रकार की संसार का अंतवत्त मतलब समाप्ति न शिष्यति। आपने बोला अनादि, देखो इसलिए भगवान भाष्य का अनादि शब्द का अर्थ होता है जो हमेशा प्रेजेंट रहता है। जो हमेशा प्रेजेंट रहता है उसका एंड होगा, तो आपका प्रतिज्ञा ही होगी। लेकिन हम तुम बोल रहे हमेशा प्रेजेंट रहता है, और अगर क्या बोलते इसका एंड हो जाएगा, कैसे होगा? सिद्धांत ही हानि, देखा तो सिद्धांत ही हानि हो जाती है। इसीलिए संसार अंतवत्त समाप्ति न शिष्यति। युक्ति तो सिद्धि न उपदेश शब्द का अर्थ करते हैं युक्ति पूर्वक तुम उसको कभी भी सिद्ध नहीं कर पाओगे। युक्ति तो युक्ति से सिद्धि न उपायस्यति, किसी भी प्रकार से ये नहीं कर सकते। या धातु है यहाँ पे, या धातु है, ठीक है? सेकंड कंजुगेट अदा दे करके यास्यति, जब उपलब्ध किया मतलब इसे गम उपगम मतलब क्या हो गया? प्राप्ति। उपगम मतलब प्राप्ति होता है ना, इसी प्रकार गम धातु या या धातु गम अर्थ कहता है, गति अर्थ कहता है, उसमें उपलब्ध है। उपगम मतलब प्राप्त नहीं कर पाओगे, सिद्ध नहीं कर पाओगे इसको। न उपायास्यति, उपोपसर्ग है या धातु है, श्यलित लगा है, लिट लगा है ना, लिट लगा रूप ना उपाय कभी भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाएंगे जी? उसको देखिए बोलते हैं, और जो भाष्य में जो आया हुआ है अतीत कोटि रहित कल मैं दिखाया था कि पूर्व पूर्व न आशीत इति व्यवच्छेद वर्णित, पहले नहीं था इस प्रकार के अवच्छेद से रहित है, है ना? इस प्रकार अवच्छेद रहित है, इसीलिए ना सदैव सोमग्रे आशीत। तो आप शंका उठाया कि पहले था या इसका मतलब अभी नहीं है, ये कहना चाहती है कैसे? बोलते नहीं नहीं, ये जो इदम रूप में जो दिखाई दे रहा है ये पहले इस रूप में नहीं था, सत रूप में ही था, सत ही एकमात्र था। हो सकता हूँ क्या अभी भी सत भी है, अभी भिन्नता क्या हो गया? बोलते अभी भी वही सत है, परंतु वो सत अभी नाम रूप इदम रूप में दिखाई पड़ रहा है, इदम रूप में अहम रूप में दिखाई पड़ रहा है, मतलब है वही सत। तो इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं अतीत कटिर हुई तस्य मतलब पूर्व न आसीत इति अवच्छेद वर्णित अवच्छेद, छह नंबर टिप्पणी, अवच्छेद वर्णित पूर्व काल वृत्ति अत्यंत अभाव वर्णित, पूर्व काल में वृत्ति वृत्ति की अत्यंत अभाव, ठीक है ना? मतलब इसका पूर्व काल कभी नहीं होता, हमेशा विद्यमान रहता है ना? ये हो गया अतीत कोटि वर्णित अर्थ। यो अनादि भाव स्व अंतवान इति व्याप्ति आत्मनि व्यक्ति इति आह। अच्छा, वहाँ पे न ही बोलते देखो व्यक्ति क्या दिखाया कि जो अनादि भाव वस्तु होता है स्व अंतवान न,
और जो अनादि भाव वस्तु होगा ना, क्योंकि आप देखो इस पेपर यत्र यत्र पर्वत वह्निमात् धूमात्, ठीक है ना, तो यत्र यत्र धूम्र तत्र तत्र वह्निनी, जहाँ धुआं है वहाँ वह्नि है, ठीक है ना, जहाँ वह्नि है वहाँ धुआं है, ये व्यक्ति नहीं है, जहाँ धुआं है वहाँ वह्नि है, क्योंकि अग्नि कई जगह पे होगा, बिजली में भी वहाँ धुआं नहीं है, गैस में भी अग्नि है धुआं नहीं है, तो जहाँ पे धुआं है वहाँ पे अग्नि होगा, यदि सच्चा धुआं है वो फॉग को लेकर के नहीं बोल रही है, इसलिए बोलता है जो हेतु क्या है हमारे यहाँ पे, देखिए विमतो संसारो न अंतवान अनादि भावत्वा, तो जहाँ अनादि भाव वस्तु है वो अंतवान नहीं होती, व्यक्ति हो गया, समझे, पर्वत वर्णिमान धुमान, इसका व्यक्ति क्या है, जत्र धूम्र तत्र वर्णि, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या जाएगा, जत्र अनादि भावत्व तत्र न अंतवत्व, ठीक है, ये व्यक्ति हो गया, समझ में आ रहा है ना, किसी को बोलते हैं यहाँ पे जो अनादि भाव सो अंतवान न इति व्यक्ति आत्मनि व्यक्ति व्यक्त इति आह, आत्मा में ये व्यक्ति दिखाई पड़ता है, ठीक है, जो आदि जो अनादि भाव, जो अनादि भाव वस्तु है सो अंतवान न, वो आत्मदृष्टा तो क्या है, आत्मा, आत्मा आत्मा में स्पष्ट रूप में दिखाई पड़ता है, इति आह, तो उसको बोलते हैं नहीं अनादि सन अंतवान कश्चित पदार्थ लोके दृष्ट, ठीक है, भाष्यकार ये बोलते हैं आगे, तो पूर्ववाद शंका करता है बीज अंकुर हेतु फल भावे न संबंध तस्य नैरंतर्य संतान तस्य अनादि भावत्य अपि विच्छेदस्य अंतस्य दृष्टत्वा अनेकांतिकत्वा इति शंकते, आप हेतु व्यक्ति अनेकांतिकत्व मतलब व्यभिचारिता, एक एकांत मतलब अव्यभिचारी और अनेकांत मतलब अव्यभि, एकांत मतलब अव्यभिचारी मतलब व्यभिचारी, तो क्या बोलते हैं यहाँ पे बीज अंकुरयो हेतु फल भावे ना, बीज और अंकुर हेतु और फल रूप है ना, कभी बीज हेतु होता है तो फल हो गया आपका अंकुर, कभी अंकुर हेतु होता है बीज हो गया फल, इसी प्रकार से पेड़ और वृक्ष और बीज, वृक्ष और बीज, फल भावे ना संबंध से दोनों का जो संबंध है, बीज अंकुर का जो संबंध है, तस्य नैरंतर्य उसका जो निरंतरता उसको हम संतान बोलते हैं, है ना, कंटिन्यूटी फ्लो, तस्य अनादि भावत्य अपि अनादि भाव वस्तु होते हुए भी विच्छेदस्य उसका नाश दिखाई देता है, हम विच्छेदस्य मतलब अंतस्य दृष्टत्व उसका नाश दिखाई पड़ता है, अपने बीजों को जला दिया संतति नाश हो जाएगा, तो दृष्टत्व इसलिए अनेकांतिकता आपका हेतु में व्यभिचरित्र धर्म बैठा हुआ है ऐसा शंका करने वाला था, शंकते इसको मन में रख के शंका उठाते हैं, अब यहाँ पे जो है सात नंबर टिप्पणी क्या दिखाते हैं, बीज अंकुरयो भक्षणादिना नाश स्थल इति भाव, बीज अंकुर भी आप जो है भक्षणादि के द्वारा नाश हो जाता है, इसीलिए उसका जब नाश हो जाता है तो आप आपने क्या बोला कि अनंत कैसे होगा, वो अनंत तो मतलब जिसका नाश नहीं होता, नाश की अभाव उसका अनंतता बोलते हैं, तो कैसे हो सकता है ये, इसको मन में रखते शंका उठाते, बीज अंकुर संबंध नैरंतर्य विच्छेद दृष्ट, निरंतर जो बीज अंकुर का संबंध है उसको विच्छेद दिखाई देता है, इति चेत यदि हम ऐसा कहें तो बोलते हैं न यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं, ये संतान कोई एक वस्तु अभावेन अपोदित, संतान नामक कोई एक वस्तु नहीं होता, संतान नामक कोई एक वस्तु नहीं होता, संतति को ही एक साथ मिला करके संतान को दिया जाता है, एक वस्तु तो अभावेन अपोदित, तो आदि हमने पहले आपको व्याख्या कर दिया था, हमने कहा ना, अब जो है आगे देखिए बीज, अच्छा अभी भावत विशेष अंशस्य तत्र अवर्तनात् न व्यभिचार शंका इति दूषयति, है ना, ये दूषण क्यों, क्या है ये जो आपने बोला ना, हमारे क्या बोला हेतु में देखिए अनादि भाव वस्तुत्वात्, तो अब यहाँ पे क्या बोलते हैं भावत विशेष अंशस्य, ये जो अनादि में जो एक विशेष अंश क्या दिया भाव, अनादि भाव वस्तु मतलब भाव हो गया विशेष और विशेषण हो गया अनादि, तो ये भाव वस्तु जो विशेष है वो विशेष आपको संतान में नहीं बैठा हुआ है, संतान नामक कोई एक वस्तु उठा करके आप नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए आप बोलते हैं भावत्व विशेष अंश, भावात्मक जो विशेष अंश हमें दिया है तत्र अवर्तना मतलब संतान में वो विद्यमान नहीं रहता है, इसीलिए न व्यभिचार शंका, इसलिए टिप्पणी का लिख दिया था साध्य अभाववती संतान हेतु अभावे न, वहाँ पर साध्य ही नहीं है तो हेतु का भी अभाव है, साध्य अभाव वाला में यदि यदि हेतु बैठ जाता तब तो व्यभिचारी होता है, इसलिए हेतु व्यभिचारी हेतु नहीं है, क्यों, क्योंकि भावत्व विशेष अंशस्य, अब देखिए कहाँ पे भावत्व अनादि भावत्व, भावत्व जो विशेष अंश है तत्र तत्र मतलब क्या, आठ नंबर टिप्पणी संतान
मतलब निरंतर अंतर है अभाव रूप, निरंतर का मतलब अंतर है कि अभाव उस संतान में, ये जो भावक तो नहीं है क्यों, संतान नामक कोई एक वस्तु का अपने उठा करके नहीं दिखा सकते हैं, फ्लो जब कभी भी उठाओगे आपको संतति हाथ में लगेगा, अवयव हाथ में लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पे इसमें एक परंतु एक अवयवी नामक कोई वस्तु का नहीं दिखा सकते हो, अंत में जाकर वैसे ईंट काट पत्थर का अवयव की तरह बना मकान को आप देख सकते हैं अलग, ये भाव वस्तु है और परंतु शादीमान है, व्यक्ति नाश हो जाएगा। परंतु इस प्रकार की जो धारा चलता है बीजन कुंड अथवा तो जल की धारा, ये ऐसे शादीमान ही है ना। इसी यहाँ पे बोलते हैं कि भावत्व विशेष अंश तत्र अवर्तना न व्यभिचार शंका की दूषय की न एक वस्तु अभाव ये एक वस्तु, मतलब वो एक कोई वस्तु नहीं है, वो धारा कोई एक वस्तु नहीं है जिसको उठा करके हाथ में दिखा सकते हो कि ये वस्तु है। इस कथन के द्वारा मैं पहले इसको खंडन कर दिया था, ये हो गया हमारा प्रथम भाग इस श्लोक का पहला आधा अंश, ठीक है। अब आगे दूसरा तक द्वितीय, क्योंकि मैं इसके ऊपर पहले दो दिन किसी को समझा, इसलिए ये समझ के आप कि क्या कहना चाहते हैं, धारा नामक कोई वस्तु एक भावात्मक वस्तु उठा करके आप नहीं दिखा सकते हैं। जब ये स्थिति है तब वो आप जो है आपके हमने भावत्व भी शरण दिया है ना, तो यहाँ पे ऐसा कोई वस्तु देखा है तो उसमें व्यभिचार की शंका कहाँ से हो सकता है, भावात्मक वस्तु है ही नहीं कोई, एक वस्तु को उठा आप दिखा ध्यान ये जाए। इस प्रकार से आप यदि एक धारा को उठा करके दिखा सकते हो तब हम माने, आप धारा को उठा के दिखाने जाओगे आपको क्या लग जाएगा, धारा के अवयव हाथ में आ जाएगा। द्वितीय अर्थ हम व्याचष्टि श्लोक की जो अगला आधा भाग है उसकी व्याख्यान करता है। द्वितीय अर्थ कौन है, अनंतता च आदिमत मोक्षस्य न भविष्यति, मोक्ष की अनंतता सिद्ध नहीं होगा। द्वितीय अर्थ व्याचष्टि तथा अनंततापि ये जिथान देना विज्ञान प्राप्ति काल प्रभवस्य मोक्षस्य आदिमत, तीनों षष्टि एक वचन है, ठीक है ना। मोक्ष क्या हो गया, आदिमान हो गया, कि कब कब मोक्ष उत्पन्न होता है, विज्ञान प्राप्ति समकालस्य, विज्ञान प्राप्ति समकाल मोक्ष की उत्पत्ति नहीं करता, मुक्त के प्रतिबंध को मिटाता है, ये सूक्ष्म भेद को समझ नहीं पाता, ठीक है ना। लाइट अंधेरा को हटाता नहीं है, बस केवल प्रकाश करता है, ठीक है ना। वो अंधेरा अपने आप ही अंधेरा को हटाने के लिए अलग कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, ठीक। इसी प्रकार यहाँ पे मुक्ति हमारे स्वरूपभूत है, हमेशा विद्यमान है। अब क्या हो गया, जैसे अपने स्वरूप संबंधित अज्ञान था वो अज्ञान मिट गया, प्रतिबंध मिट गया, प्रकाश स्पष्ट देखने लग गया था, प्रकाश स्पष्ट देखने लग गया था। इसी प्रकार से जिस उदाहरण से आपके मन में वस्तु बैठ जाए वो अपने आप सोच करके निर्णय करे। भगवान क्या बोलते हैं भाष्यकार, तथा अनंतता भी विज्ञान प्राप्ति काल प्रभवस्य मोक्षस्य आदिमत न भविष्यति। यहाँ पे व्यक्ति क्या है, जत आदिमत्तम तत्र न अनंतत्वम, ठीक नहीं। व्यक्ति है जो आदिमान होता है वो अनंत नहीं होता, और जो अनादि होता है वो जो है नाशवान नहीं होता, ठीक है ना। यहाँ पे कहता है, यहाँ के व्यक्ति क्या है, जब आदिमत्तम जो आदि वाला होता है, मतलब जो आदि वस्तु होता है, तत्र न अनंतत्व, वहाँ पे जो है अनंतता नहीं रहता। इति व्याप्ति भूमि आरो, इस व्याप्ति भूमि कहाँ दिखाई दी आपको, घटादिश्व दर्शन व्याप्ति ग्रहण कहाँ हुआ आपको, जो आदिमान वस्तु होता है वो अनंत नहीं होता। ये जो व्याप्ति है, ये व्याप्ति कहाँ दिखाई दी आपको, जहाँ धुआं होता है वहाँ बन्नी होते, व्याप्ति कहाँ दिखाई दी आपको, महानस में नंद्रशाला में, वहाँ पे किसी किसी प्रकार ये व्यक्ति आपको कहाँ दिखाई दिया, कौन सा व्यक्ति, जो आदि वाला होता है वो अंतवान नहीं होता, वो तो संसद किसी भी वस्तु को देख लो, ये व्यक्ति को वहाँ पे हो गया। इसी जान बोलते इसलिए मोक्ष में ऐसे मानना पड़ेगा। तो टीका कर देखिए, दोनों जगह पे व्यक्ति को बड़ा सुंदर से समझा दिया, पहला जो अनादि भाव हो सो अंत न अंश अंतवान न भवती, ये हो गया पहला अनुमान का व्यक्ति। दूसरा अनुमान का व्यक्ति क्या है, जत आदिमत्व न अनंतत्वम, ठीक है ना। ये दूसरा व्यक्ति, दूसरा अनुमान का व्यक्ति, दोनों अनुमान आपने लिया, दोनों का व्यक्ति भी दिखाया और दोनों व्यक्ति ग्रहण के स्थान भी दिखाया, व्यक्ति रूप स्थान भी दिखाया। अब देखिए, यथा कृतको अपि टीका में, यथा कृतको अपि घटादि ध्वंस नित्य तथा बंध ध्वंसो अपि भविष्यति इति अनैकांतिकत्वम आशंकते, ठीक है ना, आशंकते। यहाँ पे यही है कि पूर्ववादी जो बोलते हैं पूर्व न्याय को शिक्षित दर्शन, यथा कृतको अपि, जैसा कृत मतलब शाद्ध, कृति शाद्ध मतलब कृति शाद्ध, कर्मों के द्वारा उत्पन्न होने पर कौन, घटादि ध्वंस, कुछ भी वस्तु का नाश, किसी भी वस्तु का नाश वो कृति शाद्ध है, अपने पीठ के टूट के नाश कर दिया उसको, तो वो क्या होगा, वो नाश अनंत हो जाता है,
उसका अभाव जो होता है वो अनंत होता है। घट नाश के बाद जो घट का अभाव हुआ उसको बोलते हैं प्रध्वंस स्वभाव। वो प्रध्वंस स्वभाव कब तक रहेगा? अनंत काल तक रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि जब कृतको अपि घटादि ध्वंस नित्य तथा जिस प्रकार कृत मतलब कृति शब्द होते हुए भी घटनाश नित्य हो जाता है तथा बंध ध्वंस अपि, ये देखिए मतलब मुक्ति मतलब क्या है? बंधन का नाश। मुक्ति मतलब क्या है? बंध ध्वंस। तो बंध ध्वंस भी अनंत होगा और बंध ध्वंस का क्या होगा? कृति शब्द होगा, क्योंकि साधन करते हैं बंधन नाश करने के लिए। तो कृति शब्द होगा, तो कृति शब्द होगा ये घट ध्वंस की तरह वो भी अनंत हो जाएगा यदि हम ऐसा कहें। मतलब हम आप जो ये चीज और मानते हैं, क्या मानते हैं? नित्यशय अनंत की प्राप्ति, वो तो नहीं हो पाएगा था, वो हमारी मतलब मुक्ति की स्थिति को नहीं समझ पा। इसलिए बोलते हैं बंध ध्वंस अभी भविष्यति इति, इसीलिए आपका हेतु व्यभिचारी है। अनेकांतिकतम आशंका व्यभिचारी ऐसे शंका करते हैं, शंका पूर्ववादी करते पहुंचे तब, यानी कि ये शंका भाग है। घटादि विनाशव और वस्तुत्व अदोष व्यक्ति से जिस प्रकार घटादि वस्तु का नाश होता है और वो नाश जो है वो एक बंध नाश है, मतलब इसलिए अवस्तुत्व यहाँ पे कोई दोष नहीं है। यदि हम ऐसा कहें तो बता रहे तुम आप पहले क्या बोल क्या कहा तुम्हें ध्यान है कि नहीं? एक शास्त्र तुम सबसे बड़ी परेशानी हो जाती है। हमने किस चीज को कहने की प्रतिज्ञा की वो भूल गए, करते करते उल्टे ही बोलने लग जाते हैं। इसलिए किसी भी जगह पे लिख कहीं भी आपको कुछ बोलना हो बहुत अच्छी तरह से उसको मन में बैठाइए, मैं क्या बोलने की प्रतिज्ञा की, तत्संबंधित बोली इधर उधर मत चले जाएंगे तो लोगों को समझ में नहीं आएगा आप क्या कहना चाहते हैं। तो आपने एक घंटा लेक्चर दिया, क्या बोला कुछ समझ में नहीं आया। क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि आपको उपसंघा में एक बार पता नहीं रहा होगा और उपसंघा का अभ्यास इस चीज़ को ध्यान रखना है। किसी कभी भी किसी को समझाना, कोई चीज़ समझाना चाहते हो पहले उपक्रम में आपने क्या बोला, क्या समझाना चाहते हो बोलो। उपसंघा आपको ऐसे ही करना पड़ेगा और उसको बीच बीच में आपको देखो इसको समझाने के लिए मैं तुमके बोल, इसको समझ मैं तुमके बोल, तब तो किसी व्यक्ति के अंदर वो बैठेगा, नहीं तो बैठेगा कैसे? वो जो बोला वो दृष्टांत देना पड़ेगा, अभ्यास। अभ्यास मतलब जिसको हम कहना चाहते हैं उसको भिन्न भिन्न दृष्टांत के द्वारा उसको समझाना पड़ता है, तब जाकर व्यक्ति में बैठते हैं वो चीज़। ये तो नहीं होती शैली, हम हास्यकार से सीखे हैं, हास्यकार ये चीज़ देखा, शास्त्र शैली है ये, पर इस चीज़ को ध्यान नहीं देते। इसीलिए ना ये पठन पाठन का ये लाभ है, इसीलिए पठन पाठन का सामान्य प्रवचन एक नहीं होता। सामान्य प्रवचन मतलब कुछ भी लगातार बोलते हैं फूल देखे लगा दिया मतलब फिर बाद में लोग सोचते हैं क्या बोला कुछ समझ में नहीं आता था। हम तो यदि आप प्रतिज्ञा उपसंहार प्रतिज्ञा का उपसंहार के एक बात पता अभ्यास के सारे बोलेंगे तब वो बैठ जाएगा। इसलिए आप बोलते हैं कि यदि आप ऐसा आपने क्या प्रतिज्ञा की थी कि मोक्ष परमार्थ सद्भाव वस्तु है, वो प्रतिज्ञा आपकी हानि हो जाएगी, अपना अभाव में दृष्टान्त दे रहे हैं। इसलिए होता है मोक्ष परमार्थ सद्भाव प्रतिज्ञा हानि, मोक्षस्य अभाव तिष्ठति, मोक्ष यदि अभावात्मक वस्तु होगा परमार्थ सत्य प्रतिज्ञा भज्येत, है ना, क्या हो जाएगा? मोक्ष यदि अभाव, यदि अभाव तुम कह दोगे ना तो जो आपने पहले प्रतिज्ञा की थी अपनी प्रतिज्ञा भंग हो जाएगा, है ना, कि परमार्थ सत्य प्रतिज्ञा भज्येत वो टूट जाएगा, है ना। यहाँ पे इति उसे यदिशु को मन में रखते हुए भगवान भाषकर उनकी सिद्धांतों में दोष देते हैं तथा चति मोक्ष परमार्थ सद्भाव प्रतिज्ञा हानि। अच्छा किंच एक और दोष देते हैं, प्राप असत मतलब पहले नहीं था उत्पत्ति भी, मतलब ये जो असत्कार के बाद है उसका असत्कार के बाद में है वेदांतिक सिद्धांत के साथ मिलता ही नहीं है। वेदांतिक क्या बोलते हैं, न सत्य विद्यते भाव न भाव विद्यते भगवान से कुछ नहीं बता, असत वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकता, सत वस्तु का नाश नहीं हो सकता। यदि मोक्ष को तुम असत मान के चले गो कभी उत्पत्ति नहीं होगी यदि मोक्ष को प्रसंग आ जाएगा। इसीलिए बोलते हैं किंच प्राग असत सत्य समवाय रूपम कार्यतम तदपि मोक्ष असत्य न सिद्धति। वो क्या मानते हैं, घट पहले मृत्तिका में नहीं है परंतु उत्पत्ति होते हुए मृत्तिका के साथ समवाय संबंध से कार्य विद्यमान होता है। मृत्तिका मतलब समवाय संबंध हो जाता है कार्यकरण में, उसी को बोलते हैं कि जब प्राग असत। और देखो जो वस्तु पहले विद्यमान नहीं है और वो सत्ता को प्राप्त करके अपने उपादान कारण के साथ समवाय संबंध से बैठेगा। तुमने क्या माना, समवाय संबंध नित्य संबंध होता है, समवाय संबंध अद्भुत सिद्ध नित्य संबंध, और पहले वस्तु नहीं था अद्भुत सिद्ध, तो उस दोनों में होगा जो विद्यमान वस्तु है दोनों,
उसमें एक विद्यमान नहीं है और एक विद्यमान है, कारण विद्यमान है कार्य विद्यमान नहीं है, और दोनों में आप समवाय संबंध मानते हो। आप समवाय संबंध मानते जो हमेशा रहता है, एक वस्तु नहीं है एक वस्तु है, ये दोनों वस्तु में समवाय संबंध कैसे हो सकता है? समवाय संबंध हमेशा रहते हैं, तो एक तो है नहीं। इसीलिए यदि मोक्ष को तुम ऐसा असर मानोगे तो कभी भी उस उत्पत्ति सत्ता ही प्राप्त नहीं कर पाए। इसीलिए हम बोलते हैं किंच प्राग असत सत्ता समवाय रूपम कार्यत्म, इस सत्ता के साथ सत्ता समवाय संबंध सत्ता रूप में सत्ता प्राप्त करके समवाय संबंध हो जाता है। इस प्रकार जो कार्य धर्म है मोक्ष कार्य कार्य तदपि मोक्ष असत्य, यदि मोक्ष को तुम असत मानोगे न सिद्ध सत्य वो भी नहीं हो पाएगा, न सिद्धति इति आह, इसी को मन में रखें। क्योंकि देखो आकाश कुसुम से कभी उत्पत्ति नहीं होती, सशस्त्र की कभी उत्पत्ति नहीं होती, ठीक है ना, ये असत वस्तु है। इसी प्रकार मोक्ष यदि पहले असत है पहले नहीं है, अब आप उत्पत्ति उत्पत्ति कभी हो नहीं पाएगा। न्याय वैशेषिक मोक्ष को क्या बोलते हैं? तो वही तो यही बोल रहे हैं, वो क्या बोलते हैं? न्याय वैशेषिक यही बोल रहे हैं कि इधर तो बोलते हैं कि वो परमार्थ सत वस्तु है और इधर बोलते उत्पत्ति होती है। भगवान भाष्य लिखते हैं पहले आत्मा रूपी द्रव्य में नौ विशेष गुण को मान करके फिर उसको कपड़ा में साबुन लगाने के साफ करने के लिए कोशिश करता है। आत्मा का वो गुण द्रव्य में गुण समवाय संबंध से रहता है, जब तक द्रव्य रहेगा तब तक गुण रहेगा, और आत्मा ने आपने नौ गुण को मान लिया और फिर साबुन लगा के साफ करने की कोशिश करते, क्या प्रतिज्ञा किया, क्या दिखा रहे हो तुम? पूरा सिद्धांत तो कैसा, अपने सिद्धांत तो अपने आप बिगड़ दिया तुमने। आत्मा एक द्रव्य माना, आत्मा रूपी द्रव्य में नौ गुण रहता है, ज्ञान धर्म धर्म इच्छा धर्म धर्म प्रयत्न संस्कार, नौ गुण रहता है। आप इस नौ गुण में आपने बोलते हैं द्रव्य में गुण समवाय संबंध से रहता है, आप क्या किया कि आप जो है द्रव्य से गुण को हटाने का कोशिश करते हो, कभी हटेगा? वो कहते हैं नहीं, द्रव्य और गुण को अलग करके जान लेना ही मुक्ति है, जान लेना ही मुक्ति है। आत्मा के साथ गुण लगा रहेगा और मुक्ति के आनंद लोगे, सत्य के तमगुण काम करता रहेगा और मुक्ति के आनंद लोगे, वो वेदांतिक सिद्धांत है। वेदांत बोलते हैं आप निर्गुण अवस्था में, मतलब निर्विशेष अवस्था में जो आनंद है, सविशेष में आनंद नहीं है, इसीलिए उनके को नाशवान होता है। इसलिए किंच प्राग असत सत्ता समवाय रूपम कार्यत्म, पहले असत होते हुए सत्ता प्राप्त करके समवाय संबंध रूप में जो कार्य दिखाते घट दृष्टांत को समझे, घट मृत्तिका में पहले से नहीं है, घट रूप में उत्पन्न होकर के मृत्तिका के साथ समवाय संबंध में रहेगा, मृत्तिका के साथ ये होना संभव नहीं। इसी प्रकार मोक्ष पहले नहीं है, मोक्ष उत्पत्ति होकर के आत्मा में समवाय संबंध से रहेगा, कैसे होगा? ये होना संभव नहीं है, ये होता है। तब भी मोक्ष असत्य न सिद्धति इति आह, मोक्ष संबंध में रहते हैं असत्वात् एव, मोक्ष भी एक असत वस्तु होने के कारण सशविशान इव सशविशान के समान आदिमत है ना, आदिमत अभाव आदिमान होगा और अभाव रूप है, परंतु क्या हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। सस्य विषाण से इव है ना, वो सस्य विषाण का भी आदिमत होता, उत्पत्ति नहीं होता, वो अभाव भी हो जाएगा, हमें स्वभाव ही रहेगा, ऐसे ही हो जाएगा। इसके एक तिवारी सिद्धांत है। अब जो एक और बहुत बड़ा दोष है, आप क्या मानते हो, उत्पत्ति विनाशील मानते हो मोक्ष को, मतलब आदि वाला भी है और जब तो विश्व विनाश वाला हो जाएगा तो महिला मानव का कार्य करके क्या बोल क्या थे, इसको पहले भी आया हुआ था। अस्तुत हिंदी का कर बोलते हैं मोक्ष आद्यंतवत्व, तो ठीक है ऐसे मान लिया जाए मुक्ति आदि अंत वाला है, यदि ऐसा मानोगे तो बीच में रहेगा कि नहीं रहेगा, वो बीच में भी नहीं है, वो बीच में भी नहीं रहेगा, वो इस श्लोक पहले बोल कर आएगा। वैतत्व प्रकरण के छठा और सातवां श्लोक में ही आया हुआ है, इसी को यहाँ पे दे दिया। वैतत्व प्रकरण में छठा और सातवां श्लोक 85 पेज होगा शायद, 85-86 पेज में देखिए मिला, वैतत्व प्रकरण में छठा और सातवां श्लोक में नहीं आते, 85 में नहीं आते, 100 में आते उपनिषद वैतत्थ द्वितीय प्रकरण, मैं तो बोल रहा हूँ वैतत्थ प्रकरण में
दोनों श्लोक को ऐसे उद्धृत कर दिया। किसको समझाने को वहां पे दो बाहरी वस्तु को लेकर बोला था, वहाँ पे बाहरी वस्तु को लेकर बोला था, वस्तु की उत्पत्ति होता है इसीलिए उत्पत्ति होना संभव वैधता तो मतलब जगत मिथ्या दिखाने के लिए। यहाँ पे किसको लेकर के बोल रहे हैं? मुक्ति। हाँ, मोक्ष को लेकर के बोल रहे हैं। आप किस नियम क्या बोलते हैं? ऐसा मान लिया जाए मोक्ष जो मुक्ति भी आदि अंत वाला होगा, मुक्ति भी यदि आदि अंत वाला होगा तो इस श्लोक पे एक साथ पढ़ेंगे पुराने श्लोक के लिए। आदावन्ते जयन्नास्ति वर्तमाने वितत्तथा वितथैषदृशा सन्तो वितथैव लक्षितः। बोलते हैं जो वस्तु पहले नहीं था और बाद में भी नहीं रहेगा। आदा वंते च जन नास्ति, जो वस्तु आशुष्य उत्पत्ति से पहले भी नहीं है, नाश के बाद भी नहीं रहेगा, वर्तमान भी तथा इस समय भी वो नहीं है। सबसे अच्छा दृष्टांत भ्रांति स्थल में, किसी भी भ्रांति स्थल में जब तक आपने नहीं देखा तब तक वहां पर सर्प नहीं था, रज्जु का ज्ञान हो जाएगा सर्प नहीं रहेगा। इसीलिए जिस समय सर्प दिखाई दे रहा था उस समय सर्प वहां पर था कि नहीं था? नहीं था। बस इसीलिए वर्तमान में भी तथा मुक्ति का आनंद नहीं ले पा, तो मुक्त अभी हो ही नहीं पा। वहां पे तो जगत की वस्तु को लेकर बोला था, अब मुक्ति में जिस तरह सोचकर जीवन मुक्ति का आनंद ले जाएगा तो एक तुम्हारे भ्रांति रह जाएगा यदि इस प्रकार मुक्ति मानो तो। इसीलिए बोलता है वितथे सदृशा संत, मिथ्या वस्तु के समान होते हुए भी वो कैसा दिखाई पड़ता, सत्य वस्तु को जैसा प्रतीत होता है, तुम्हारा मुक्ति ऐसा ही हो जाएगा। क्या भयंकर सिद्धांत देखिए, ये जिस वादियों ने मुक्ति को उत्पत्ति वाला मानते हैं उसके सिद्धांत ऐसा है, उत्पत्ति मतलब नाशवान होगा और जो पहले नहीं था और बाद में नहीं होगा बीच में भी वो नहीं होता है, बीच में भी वो नहीं होता है। आगा बनते चर नास्ती वर्तमान भी तथा था। एक हमारे पशुपति आश्रम में गुट्ठा महात्मा थे, मैं जब इधर उधर तो नया नया आया तो मेरे माता पिता इधर उधर ढूंढने आते थे तो किसी तरह से लोग पहुँच गए थे वहाँ पर। तो उस बुद्ध महात्मा ने बाद में मेरे को मिला, मेरे को बोलते आपके पिताजी माताजी मेरे पास आए हुए थे, मेरा बेटा कहाँ गया? तब उनको मैंने ये श्लोक कहा था, आधा बंदे चजर नास्ती वर्तमान पिता था रियली इसलिए 1986 तो बात होगा उस समय तब तो। तो अरे भाई कुछ पुत्र रूप में उत्पन्न होने से पहले तुम्हारे पास नहीं था, मर जाता एक्सीडेंट हो जाता वो भी तुम्हारा नहीं होता, सिर्फ वर्तमान में भी वो तुम्हारा नहीं है, वो तो अच्छा बात में दिया हुआ है, क्यों चिंता करते हो? मेरे को इतना अच्छा लगा उनकी इस बात को, जब पशुपति आश्रम में रहते बड़ा अपना समझ था कि आपके पिताजी माता जी को कोई तो उधर उल्टा उल्टा समझा ये इतना अच्छा समझा आगे चाचा मस्ती पूरा संसार की वस्तु की चिंता शरीर का प्रारब्ध मानते हो, बताओ रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा सर्प का क्या प्रारब्ध है? रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प का क्या? यदि तुम्हारा ये निश्चय रहता कि शरीर भी रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प के समान एक मिथ्या वस्तु, क्या प्रारब्ध लेकर के चिंता करते हो कि प्रारब्ध खराब बुरा था अच्छा था? कुछ नहीं है, तुम्हें मिथ्या है। एक आर्गुमेंट, ये शरीर में ही तो ये ज्ञान करना है, ये शरीर चला जाएगा तब नहीं, ये शरीर रहते रहते वर्तमान शरीर रहते रहते ये बोध होगा और बोध होते समय बोध की लेवल को इतना ऊंचा उठा दो कि जिस क्योंकि ये बोध हमने कैसे बोध होगा, मैंने बोध नहीं है मान्यता देकर कि मैं बोध को सोचा, क्या बोध होना है वहाँ पे? जो अन्न था कि बोध हो रखा था उसका मिटाना है। विवेक चुराने का अंतिम में देखेंगे कि भाष्य बोध प्रारब्ध भी किसके लिए सोचते हो? ब्रह्मात्म एक होना स्थित सदा ब्रह्म आत्म एकत्व बोध स्वतः स्थित से एक त्रयम नास्ति, कौन सा ये प्रारब्ध कर्म संचित कर्म क्रियमान कर्म कुछ भी नहीं है उनके लिए,
क्योंकि व्यापकता की भाव में स्थिति है, शरीर भाव में आते हो तब ठीक है, तरल था को सोचो, अंतिम स्थिति में यदि ऐसे है पाओगे समय ठीक है, आधे ही रखते हैं, कल देखेंगे इसको, और आज लास्ट वाला होगा है ना। यत् प्रज्ञालोका भाषा प्रतिहति अगम शान्तस्तमोहान्धकार मच्च उन्मच्च च घोरे अशकृत् उपोजनोदन्वति प्राशनेमि यत् पादोऽस्मितानां श्रुतिसमभिनय प्राप्तिरग्राह्यमोघा तत्पादौ पावनीयौ भवभय विनदौ सर्वभावैर्नमस्ते। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमिदश्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं मातरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ये 19 तारीख को मैं 11:30 बजे ब्रह्मविद्यापीठ छोटा सा बेस्ट भ्रमण करें, आप सभी साधु आमंत्रित हैं। 19 तारीख